फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर अचानक मेहमान आने को होते हैं और हमें हलवा बनाना होता है। एक्चुअली मैं गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि हमारा हलवा झटपट बन जाएगा और टेस्ट में कोई भी कमी नहीं होगी। इसके लिए क्या करना है, ये मैंने आधा किलो गाजर ली है, इसको अच्छे से वॉश करके इसका ऊपर से इसको हल्का सा पील करके इस तरह से इसके टुकड़े काट करके एक कप दूध डाल के मैंने उसको दो सीटी उबाल लिया है। उबाल करके इसको रख लिया है। ये मैंने 50 ग्राम खोया लिया है, ये एक बाउल चीनी है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने 4 इलायची छील करके इसको इस तरह बेलन से क्रश कर लिया। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। जब हम गाजर उबालेंगे तो हम गाजर में सिर्फ आधा कप दूध डालें, जिससे कि बस हमारी गाजर जलनी नहीं चाहिए। अब इसको हम इस तरह से, जो हमारे पास मैशर होता है, इस तरह से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसको ऐसे मैश करें कि इसके एक भी टुकड़े न रह जाएं। इससे, इस ट्रिक से बनाने से आपका हलवा बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब इसमें ऐसे करने से इसके कहीं भी आपको पीसेस नहीं दिखने चाहिए। इसको इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब हम एक पैन या कढ़ाई, आप जिसमें बनाना चाह रहे हैं वो चढ़ाएंगे। इसमें हम देसी घी डालेंगे। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जितना घी पड़ेगा आपके हलवे में उतना ही टेस्ट आएगा। घी डाल देंगे, घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। अब इसे हमें लगातार हिलाते हुए भूनना है, जिससे कि ये हमारा लगने ना पाए तली पर। आप एक बार इस ट्रिक को ट्राई जरूर करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका हलवा कैसे बना। अब इसको हम खूब अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें भूनने में कम से कम 15 मिनट तो आराम से लगेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको भूनते हैं। अब देखिए, इसे भूनते हुए लगातार 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी कभी भी पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ देगी तो फिर हमारी गाजर भून नहीं पाएगी। अब हम इसे लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि अब ये एक बार चीनी पानी छोड़ेगी तो इसे पतला सा हो जाएगा। फिर इसे हम तब तक का पकाएंगे जब तक कि चीनी का सारा पानी सूख नहीं जाता। इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी डालने की वजह से ये हमारा पानी, चीनी ने पानी छोड़ा है, इसकी वजह से हलवा गीला गीला सा हो रहा है। अब इसको हम लगातार भूनते हुए
20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, जिस तक कि चीनी का सारा पानी सूख नहीं जाता। आपको इसी तरह मैंने इसके पहले मूंग दाल हलवे की रेसिपी डाली थी, अगर आपको वो रेसिपी देखनी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। कुछ लोग इससे कलर भी डालते हैं, फूड कलर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप अपने घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो फूड कलर वगैरह ना डालें। अब इसको हम बराबर हिलाते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी गाजर का कोई टुकड़ा ना रहने पाए, इसे अच्छे से हम दबा कर मैश कर देंगे, जिससे कि कहीं भी गाजर का एक भी टुकड़ा ना रहने पाए। अब देखिए धीरे धीरे चीनी का पानी सूखने लगा और हमारा हलवा फिर से गाढ़ा होने लगा। इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे। अब इस तरह से हिलाते हुए हम इसको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। अब देखिए कि हमारा भून के तैयार हो गया। अब हम इसमें जो हमने इलायची लिया था वो डाल देंगे और जो ये खोया लिया था इसको इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो खोया डालें, अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास घर में दूध की मलाई रखी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैं बताना भूल गई थी, मैंने पहले घी में फ्राई करके इनको कट कर लिया है, थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए। ये देखिए हमारा यम्मी सा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे ऊपर से इनको इस तरह से डालकर हम इसकी गार्निश कर देंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।